जो इस तरीके के RFID लॉक होते हैं, ये हिडन लॉक होते हैं, इनमें कोई चाबी नहीं होती है, ये कार्ड से खुलते हैं, और ड्रॉर्स जो होती हैं अपनी या वो कैबिनेट होती है उसके अंदर ये लगाए जाते हैं, वुडन की कैबिनेट में। तो इनको देखते हैं इसमें कार्ड कैसे लर्न कराना है। तो सबसे पहले आपको इसमें सेल डालने हैं, ये खोल के आपको 4 सेल इसमें डालने हैं। उसके बाद आपको इसके पास में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक रिसेट बटन है, इस रिसेट बटन को आपको रिसेट करना है। ये जैसे ही आपको साउंड सुनाई देगी इसका मतलब रिसेट हो गया। अब इसको सबसे पहले आपको कार्ड दिखाना है, तो इस तरीके से आप जो है ये जैसे आपने कार्ड दिखाया, तो ये जो है अब इसके साथ में कार्ड लर्न हो गया है। और जैसे अभी हम देखते हैं कि इस लॉक को लॉक कर देते हैं, ये अब लॉक हो गया। और इसके बाद हम जैसे इसको कार्ड दिखाएंगे, ये लॉक ओपन हो गया। अब जो कार्ड हमने लर्न कराया था इसके साथ में, ये वाला जो है, अब इससे देखते हैं और कार्ड कैसे लर्न कराने। अब हमें इसे वापस रिसेट नहीं करना है, बस अब हमें क्या करना है, इस कार्ड को एक बार इसे दिखाना है, और जो ये टैग जो है इस तरीके का जो टैग है इसे लर्न कराना है, इसे दिखाना है। उसके बाद दोबारा से यही कार्ड को दोबारा दिखा देना है, बस। अब हमारा इस टैग से भी लॉक खुलेगा, 1 मिनट, ये लॉक हो गया, ये देखिए लॉक हो गया। अब ये वापस से हम इसको ये टैग दिखाएंगे, ये लॉक ओपन हो गया। तो इस तरीके से आसान है, जो सबसे पहले आपने कार्ड लर्न कराया है, जो सबसे पहला कार्ड लर्न कराया है वो मास्टर कार्ड भी बन जाता है। और दूसरे कार्ड लर्न कराने तो आपको वापस से रिसेट नहीं करना है, बस इसको एक बार दिखाओ, दूसरा टैग दिखाओ, वापस से इसको दिखाओ, यानी लर्निंग विंडो ओपन की एक बार दिखा के, टैग दिखा के लर्न कराया, और फिर वापस से इसको दिखाया, इसका मतलब टैग लर्न हो गया।